अब जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी नेस्टेड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है ए एन, उसे हम कब कहेंगे कि वो नेस्टेड हमारी सीक्वेंस है, यदि वो मोनोटोनिकली डिक्रीज सीक्वेंस है। अब मोनोटोनिकली डिक्रीज सीक्वेंस के बारे में लगभग सभी को पता होगा कि यदि किसी सीक्वेंस की पहले वाली टर्म की वैल्यू उसके दूसरे वाली टर्म की वैल्यू से छोटी आ जाए तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और ये कंडीशन हमारी कंप्लीट सीक्वेंस में होल्ड हो रही हो, यानी कि एस एन माइनस वन की वैल्यू हमेशा एस एन से बड़ी हो, यानी कि एस वन की वैल्यू एस टू से बड़ी हो, एस टू की वैल्यू एस थ्री से बड़ी हो, इस तरीके सो ऑन, एस एन माइनस वन की वैल्यू बड़ी हो एस एन से। ये कंप्लीट में हमारी पहले वाली टर्म की वैल्यू से अगले वाली टर्म की वैल्यू से बड़ी हो तो इस तरीके की सिक्वेंस को हम कहते हैं मोनोटोनिक सिक्वेंस। और कोई भी सिक्वेंस यदि मोनोटोनिक सिक्वेंस है तो उसे हम कहेंगे हम मैट्रिक स्पेस में कि वो नेस्टेड सिक्वेंस है। ठीक, अब इसी पे बेसिक एक थ्योरम है, एक हमारी कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। हमेशा जो भी हमारी नेमिंग थ्योरम होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी आती है वो। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट एच डी बी आर मैट्रिक स्पेस, एच डी ए क्या है, एक हमारा मैट्रिक स्पेस, एंड लेट एफ एन बी आर नेस्टेड सिक्वेंस, एफ एन क्या है, एक नेस्टेड सिक्वेंस है ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट एक्स, कि यानी कि हमारा नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट किसका, स्पेस का लिया है, उसकी एक सीक्वेंस है नेस्टेड सीक्वेंस, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, एफ एन। क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये क्लियर है किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, जीरो की तरफ। यानी कि जैसे हम एक सीक्वेंस ले लें वन बाई एन ही, वन बाई एन में हम वन वैल्यू पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, फिर अगली टू पुट करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा जो किससे छोटा है, इससे। वन बाई थ्री पुट करेंगे एन की जगह तो वन बाई थ्री आ जाएगा, वो इससे छोटा होगा। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये वन बाई एन क्या हो गया, हमारा नेस्टेड सीक्वेंस। ठीक, अब ये किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, यदि हम एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो वन बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि ये जीरो की तरह कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि डायमीटर ऑफ एफ एन टेन टू जीरो, डायमीटर क्या होती है, हमारी सबसे लंबी डिस्टेंस, सर्कल में डायमीटर वही होती है, हमारा व्यास जिसे कहते हैं हम मल्टीप्लाई बाई टू रेडियस का। तो डायमीटर ऑफ एफ एन सिक्वेंस एफ एन क्या है, टेन टू जीरो, यानी कि मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी इसकी, जीरो, एंड इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी तक तरफ जाएंगे वो किस तक हो, क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो। तो सब इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट एक्स, इसके नीचे भी एक लाइन है स्टेटमेंट में, एक्स इज कम्प्लीट, एक्स हमारा क्या होगा, कम्प्लीट इफ़ इसका हमने इंटरसेक्शन ऑफ एम वन टू इन्फिनिटी एफ एम कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्शन यानी कि कंप्लीट होल जो हमारी सीक्वेंस है एफ एन, वो क्या एग्जैक्टली वन पॉइंट ही एग्जिस्ट करता हो उसमें, यानी कि एक पॉइंट की तरफ ही कन्वर्ज करती हो, वो दो पॉइंट की तरफ कन्वर्ज ना करती हो। कोई भी हमारी सीक्वेंस होती है वो कभी भी दो पॉइंट की तरफ कन्वर्ज नहीं करती, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो वो फिक्स पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रही हो, इसमें ये दिया गया है। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे प्रूफ में लेट एक्स बी आर कम्प्लीट फॉर ईच एक्स स्पेस, एक्स जो है हमारा कम्प्लीट है हर एक एक्स के लिए, स्मॉल एक्स की कोई वैल्यू रखें स्पेस के रहेगा कम्प्लीट। वी चूज, हम चूज करेंगे एस एन, एस एन एक पॉइंट किसका, सीक्वेंस एफ एन का जो एफ एन से बिलोंग करता हो, सिंस डायामीटर ऑफ एफ एन इज टेन टू जीरो, कब, जब एन इन्फिनिटी है। ठीक, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एग्जिस्ट का साइन है ये हमारा एम नोट, सच डेट, ये सच डेट है, डायमीटर ऑफ एफ एम नोट इज लेस देन एप्सिलॉन। अब डायमीटर ऑफ एफ एम नोट लेस देन एप्सिलॉन कहाँ से आया, यह हमारा आया लिमिट की कंडीशन से। लिमिट में क्या होती है, यदि हमारी सीक्वेंस एस एन है, एस एन माइनस एल का जो हमारा मोड है यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि डायमीटर होती है, हमारी डायमीटर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो लेस देन एप्सिलॉन वाले से,
क्योंकि यहाँ पे लिमिट किसकी तरफ टेंड कर रही है, जीरो की तरफ, और हमारी सीक्वेंस क्या है, एफ एम नोट, ठीक। इसका मोड लें तो लेस देन एप्साइलन। अब मोड की बजाय हम डायमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर भी हमारी किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे सर्कल में हम यदि उसकी मैक्सिमल डिस्टेंस पता करें तो मल्टीप्लाई बाई टू रेडियस क्या होती है, हमारी डायमीटर। तो इसी तरीके से डायमीटर इसकी, तो हम ये भी कंडीशन कहते हैं, डायमीटर ऑफ एफ एम नोट इक्वल टू इज लेस देन एप्साइलन। तो ये लिमिट वाली कंडीशन से हमारी हो गई। सिंस सीक्वेंस एफ एन इज नेस्टेड, हमारी हमें गिवन है कि सीक्वेंस जो है वो नेस्टेड है, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो एन कोमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम नोट, ये हमारे लिए है कोची सीक्वेंस से। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, थोड़ी ये हो सकता है थ्योरम लंबी हो जाए, लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर करके हमारा क्या होगा, थ्योरम समझ पाएंगे, क्योंकि थ्योरम को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एफ एम कोमा एफ एम, एफ एन कोमा एफ एम किसका सबसेट हो जाएगा, एफ एम नोट का। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा पहले वाला पॉइंट है वो हमेशा बाद वाले पॉइंट से बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या गिवन है कि ये हमारी क्या है, एफ एम क्या है, हमारी नेस्टेड सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है। तो हमारा पीछे वाला पॉइंट हमेशा पहले बाद वाले पॉइंट से बड़ा होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक। तो डी एक्स एम कोमा एक्स एन, तो एक्स एन कोमा एक्स एम क्या हो गया, लेस देन एप्साइलन। ये कहाँ से आया, ये हमारा आया कोची सीक्वेंस से। दस एस एन इज अ कोची सीक्वेंस, तो हमारी ये हमने कोचिंग सीक्वेंस की कंडीशन यूज़ कर ली। डी एक्स एन कोमा एक्स एम क्या हो गया, लेस देन एप्साइलन। सिंस एक्स इज कम्प्लीट, हमारा सिंस एक्स इज कम्प्लीट है, क्यों कम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे कोची सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। कोची सीक्वेंस जब भी एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ट्रेंड करने लगे, जो कि यहाँ पे क्या है एक्स नोट, तो हम उस स्पेस को क्या कहते हैं, कम्प्लीट। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिंस एक्स जो कि स्पेस है क्या है, कम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि इसमें एस एन जो कोची सीक्वेंस है वो किस पॉइंट की तरफ ट्रेंड, किस पॉइंट की तरफ कन्वर्स कर दिया, एक्स नोट की तरफ। यह हमारी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन में, फॉर सम एक्स नोट बिलोंग टू एक्स, एक स्पेस से एक पॉइंट ले लिया एक्स नोट, किसी कुछ एक्स नोट के लिए हमारी कोची स्पेस जो है वो कोची सीक्वेंस की तरफ कन्वर्ट, यानी कि कोची सीक्वेंस शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम जैसे आ जाते हैं, हम क्लेम क्या कर रहे हैं कि एक्स नोट इक्वल टू एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन एफ एम, यानी कि जो हमारी सीक्वेंस है एफ एम वो किसकी तरफ कन्वर्स कर रही है, एक्स नोट की तरफ, यानी कि वो किसके इक्वल है, एक्स नोट। यहाँ पे एक्स नोट कैसे यूज़ करा, जैसे हम कोची मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को कहते हैं वो जीरो की तरफ कन्वर्स कर रहा है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसी तरीके से हम कह रहे हैं ये मोनोटोनिक है, ये हम आगे शो करेंगे, पर ये एक्स नोट एक लिमिट है, जैसे जीरो थी तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स नोट, तो इक्वल टू एक्स नोट दिखा दिया। लेट एम बिलोंग टू एन, एम बिलोंग टू एन है हमारा, एस एन बिलोंग टू एफ एम, एस एन हमने, एक्स एन हमने एक पॉइंट ले लिया जो किससे बिलोंग कर रहा है, एफ, जहाँ पर एक्स एन किसकी तरफ टेंड कर रहा है, एक्स नोट की तरफ, क्योंकि एक्स नोट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट। देयर फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, हर एक नेबरहुड ऑफ एक्स नोट कंटेन अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एफ एम नोट, हमारे एफ एम नोट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा क्या एक्स नोट का नेबरहुड। जैसी हमारा एक्स नोट का नेबरहुड, यदि हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस देखें डेफिनेशन में, हमारी एक सिमेट्रिक स्पेस में डेफिनेशन का वीडियो है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, उसमें देखें तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस से देखेंगे हम, यदि हमारी कोई भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड उस एक्स नोट है, जैसे यहाँ पे एक्स नोट का नेबरहुड किसी सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन करता है अदर देन एक्स नोट, यानी कि अदर देन डेट पॉइंट, हम ये चेक कर सकते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस वाली डेफिनेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट को लिमिट पॉइंट। तो इसी वजह से हमने एक्स, हैंस एक्स नोट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एम, इसी कंडीशन को यूज करके हम क्या कहेंगे, एक्स नोट क्या है, हमारे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस।
अब x नोट जैसे हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस हो गया, तो x नोट में इसकी क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जो है हमारी इसके अंदर कंटेन हो जाएंगी, इस वजह से x नोट क्या हो गया इज द सबसेट ऑफ एफ एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एफ एम। इसका कंप्लीट का इंटरसेक्शन करें तो वो किस में कंटेन हो जाएगा हमारा x नोट में। ठीक, अब हमने क्या किया कि एक अनदर पॉइंट ले लिया x नोट डैश। ये क्यों लिया, हमें ये शो करना है कि एक वन पॉइंट की तरफ ही कन्वर्ज करेगी, तो हम चेक कर रहे हैं कि वन पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट की तरफ तो कन्वर्ज नहीं कर रही, तो हमने एक दूसरा पॉइंट भी ले लिया x नोट। अब आगे हम क्या करेंगे, इसे x नोट को एक्स नोट डैश को एक्स नोट के इक्वल दिखा देंगे। जैसे एक्स नोट डैश को एक्स नोट के इक्वल दिखाएंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि एक्स नोट डैश और एक्स नोट कोई अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। ठीक, देन डी एक्स नोट कोमा एक्स नोट डैश इज लेस देन डायमीटर ऑफ एफ एम फॉर एवरी एज डायमीटर ऑफ एफ एम टेंड टू जीरो, कब एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ये हम किससे आ गए, नेस्टेड सीक्वेंस यानी कि मोनोटोनिक डिक्रीज सीक्वेंस। तो डी एक्स नोट कोमा एक्स एन किसकी तरफ कन्वर्ज कर गया, जीरो की तरफ। क्यों, क्योंकि डी एक्स नोट डैश किसके ग्रेटर देन इक्वल टू, इस किससे कम है, डायमीटर ऑफ एफ एम, और डायमीटर ऑफ एफ एम किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो, जो हम पहले भी अभी कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में हमने शुरू में ही देखा था। तो ये किसकी तरफ टेंड कर जाएगा, जीरो की तरफ। तो यानी कि एक्स नोट अब जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, तो डी एक्स नोट हम क्या करेंगे, जैसे हम जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा तो डी एक्स नोट कोमा एक्स नोट डैश क्या हो गया हमारा, किसकी तरफ टेंड कर गया, जीरो की तरफ। तो इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो हमारा एक्स नोट इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जैसे जीरो इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, डी एक्स नोट इक्वल टू एक्स नोट डैश। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा एक्स नोट क्या है, एक्स नोट डैश जो हमने एक अनदर पॉइंट लिया है वो एक्स नोट के इक्वल ही है, तो यानी कि वो एक वन फिक्स पॉइंट के तरफ ही टेंड करेगा। ये कौन सी लाइन थी हमारी, ये वाली, एक्स इज कम्प्लीट। यदि हमारा एक्स कम्प्लीट है जो कि हमने यहाँ पर दिखाया था, अब ये कम्प्लीट है तो हमने ये दिखा दिया कंटेन एग्जैक्टली वन पॉइंट, ये एक वन पॉइंट कंटेन करेगा, ये वन पॉइंट से ज़्यादा नहीं करेगा, वो वन पॉइंट से ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा क्योंकि हमने अनदर पॉइंट लिया वो भी इसके इक्वल आ गया एक ही पॉइंट के, तो ये सारे पॉइंट एक ही होंगे। तो ये थी हमारी कैंटर, लेट एम इक्वल टू वन इंटरसेक्शन इन्फिनिटी एफ एम कंटेन ऑफ अ सिंगल पॉइंट। हमने माना एक सिंगल पॉइंट कंटेन करता है जो कि हम ऊपर प्रूव भी करके आए हैं, फॉर एवरी नेस्टेड सीक्वेंस एफ एन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स सच डेट डायमीटर ऑफ एफ एन टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ये हमारा स्टेटमेंट से ही हमारा प्रूफ हो गया। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, हमने अभी कोची सीक्वेंस की हेल्प से हमने इसे क्या दिखाया था कि ये एक वन पॉइंट ही कंटेन करेगा। अब हम क्या करेंगे वन पॉइंट वाली कंडीशन से, क्योंकि कन्वर्ट्स भी ट्रू होगा इसका, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो हम इससे दिखाएंगे ये कोची सीक्वेंस है। उसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले इस पोर्शन को हमें एस वन इक्वल टू एक्स वन कोमा एक्स नॉट हो जाएगा क्लोज इंटरवल, एस टू क्या हो जाएगा एस टू एस थ्री, इसी तरह के एस थ्री क्या हो जाएगा एस थ्री एक्स फोर, इसी तरह के एस एन क्या हो जाएगा एस एन एक्स एक्स प्लस वन। ठीक, सिंस हमें क्या दिखाना है कि ये कोची सीक्वेंस है, एस एन एक्स एन क्या है हमारा एक कोची सीक्वेंस, उसके लिए क्या करेंगे हम एन कोमा एम किसकी तरफ टेंड करेगा, पी पॉइंट की तरफ, जो कि हमारी कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन में है। ये हमारी जो सीक्वेंस है कोची, दो सीक्वेंस यदि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कन्वर्ट कर रही हूँ एस एन कोमा एस एम, तो वो हमारी सीक्वेंस क्या होती है, कोची सीक्वेंस। उसी कंडीशन को हम होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे एस एन और एस एम की जगह क्या है एक्स एन और एक्स एम, तो डी एक्स एम और डी एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ये किससे, कोची कंडीशन हेल्प से। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी डायमीटर ऑफ एक्स एन क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन, ये किसकी कंडीशन से हो गया, ये हमने जो होल्ड करी थी लिमिट पॉइंट वाली कंडीशन, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी करी थी अलग अलग पॉइंट पर।
तो ये फर्स्ट वीडियो जो है हमारी, इसकी कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के मिड पार्ट में आपको मिल जाएगा ये क्यों आया। तो अब इस जैसे हमारा एन टेन टू इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि ये नेस्टेड सीक्वेंस है, तो इसके पहले वाला जो टर्म है उससे नेक्स्ट वाली टर्म से छोटी होगी, इसी वजह से एस वन किसका सबसेट होगा, एस टू का, एस टू सबसेट होगा एस थ्री का, एस थ्री सबसेट होगा एस फोर का, इसी तरीके एस एन सबसेट हो सुपर सेट होगा, सॉरी ये सबसेट का साइन नहीं है, सुपर सेट, सुपर सेट यानी कि सारे पॉइंट एक्स, तो एस एन सुपर सेट होगा एस एन प्लस वन का, ठीक। क्यों? क्योंकि पहले वाली टर्म हमेशा उससे नेक्स्ट वाली टर्म से बड़ी आएगी, क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और नेस्टेड सीक्वेंस उसे कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस को। दस एस एन इज द नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ अ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स हुज डायमीटर टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो हमने दिखा दिया एस एन क्या हमारा नेस्टेड सीक्वेंस हो गई कोची सीक्वेंस की हेल्प से, जो कि जीरो की तरफ टेंड कर रही है, कब, जब एंड इन्फिनिटी की तरफ है। सो देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, अ यूनिक पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग टू अ स्पेस एक्स सच डैट एक्स नॉट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एस एन, ठीक। एस एन कैसे कि एस एन टेंड टू एक्स नॉट। तो ये हमारी कंप्लीट कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। अब इसमें हमारा क्लेम भी है नेक्स्ट कि एस एन जीरो की तरफ कैसे टेंड कर रहा है, डायमीटर ऑफ एक्स एन टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर डायमीटर ऑफ पी लेस देन एप्साइलन एज देर फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी एस एन कोमा एक्स नोट इज द सब किस से बिलोंग कर रहा है, हमारी जो सीक्वेंस है एस एन से, यानी कि एस पी जो हमने ली है। डी एस एन कोमा एक्स नोट इज द लेस किस से लेस देन हो गए डायमीटर ऑफ सीक्वेंस एस पी, और डायमीटर ऑफ एस पी टेन टू जीरो हो रही है, तो यानी कि ये लिमिट पॉइंट की कंडीशन से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। तो डायमीटर ऑफ एक्स एन कोमा एक्स नोट क्या हो गया, लेस देन एप्साइलन। अब ये किसकी कंडीशन है, कोची सीक्वेंस की। तो हमें यही दिखाना था कि वन पॉइंट लेके चल रहे थे हम कन्वर्ट्स में, और इसे हमें क्या दिखाना था, ये एक कोची सीक्वेंस है, हैंस क्योंकि ये कोची सीक्वेंस है और कोची सीक्वेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कन्वर्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हमारा जो स्पेस हो जाएगा, स्पेस को क्या कह देंगे हम, कम्प्लीट। तो ये थी हमारी इसकी कंप्लीट कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, ये था इसका सेकंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे, फिर सेकंड पार्ट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सप्लेन करना भी थोड़ा इजी नहीं है, पर जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया है, और इसे कम से कम दो से तीन बार देखें तो ईजिली आप इसे समझ पाएंगे, अदरवाइज आप वैसे पढ़ेंगे तो शायद आपको कम्प्लीटली समझ भी ना आए। तो ये थी कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, ये कंप्लीट हमारी, ये कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट है जो कि फर्स्ट पार्ट में कवर हुई है हमारी यहाँ तक, उसके बाद की हमारा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का हमारा सेकंड पार्ट में कवर हुआ है।